जस्ट लीविंग में अदर वर्क प्लेस टूडे और आज तक मैं हमेशा कार यहीं पार्क करती हूँ मोस्टली इस फेंस के अलॉन्ग साइड आई नेवर रियलाइज कि ये इलेक्ट्रिक फेंस है और आज मैंने इसको नोटिस करा है मैन इट्स इलेक्ट्रिक अदरवाइज मैं इसको हमेशा सोचती हूँ स्टील फेंस लाइक स्टील वायर फेंस है

स्मेल बहुत प्यारी आ रही है यार तो <laughs> so, हुआ क्या कि सुरेन की उसका पास्ता खाने का इतना मूड नहीं है तो कैन ऑर्डर पिज्जा वेल एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं पिज्जा यू टेक इट विद फॉर लंच टुमारो एंड आई विल टेक पास्ता विद मी दोनों की पसंद का हो गया स्पेशली आफ्टर ईटिंग थ्री डेज लाइक यू नो जैसे तीन दिन लगातार इंडियन खाने के बाद आई वाज लाइक आज मैं इंडियन नहीं बनाऊँगी आज नॉन इंडियन चलेगा तो हमें सारे काम सो सो के याद आते हैं आज अभी देखा कि सेंट ऑफ चल रहा है पर लीटर और गाड़ी का पेट्रोल अमाउंट अगेन इट्स ऑन द लोअर एंड सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूमोर एंड पेइंग द फुल अमाउंट आज क्यों ना भरवा के आया जाए साढ़े नौ रहे हैं रात के इस समय हाउ अमेजिंग इज दैट अभी अभी बीपे में एंट्री है इस समय डोर तो ओपन है लेकिन सारे के सारे पंप इस समय प्रीपे हो रखे हैं रात के टाइम सो यू है अगर you know, आपने गलती से एक्स्ट्रा पे कर भी दिया यू कैन गो बैक टू यू नो कैशियर एंड वो चेक करता अगेंस्ट द फिलअप अमाउंट एंड मनी बैक एंड इट स्टेट अपू योर बैंक अकाउंट हाउ एवर वो अगले दिन रिफ्लेक्ट होता है तो ये ए टी एम कार्ड का फायदा लगता है मुझे एकदम कैशलेस जैसे कहते हैं और कैश हैंडलिंग आज के टाइम में कोविड टाइम्स में थोड़ा डर भी लगता है कि हम उसको कैश हैंडलिंग करते हैं So, I really like this way. Hmm. thanks. लेके ले आने के लिए <laughs> 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 जितने भी लोग जॉब्स करते हैं नौकरी करते हैं जैसे कहते हैं और यू नो चाहे किसी के भी चाहे बिग फर्म स्मॉल फर्म एम एनसीज नॉन एम एनसीजेंट मैटर गवर्नमेंट जॉब्स नथिंग मैटर्स एक गुड बॉस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए आई मीन जब मैंने अपनी पुरानी बॉस को छोड़ा था जो मेरी इटालियन बॉस थी जेनी, आई वॉज विट वर कि की विल आई बी एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ अ बॉस अगेन जो मुझे अंडरस्टैंड करे और जो मेरी कमियां हैं उसको हाईलाइट करे इन द सेंस दैट पॉजिटिवली सो आई कैन इम्प्रूव मुझे अगर मैं किसी गलत रस्ते पे जा रही हूँ इन द सेंस कि गलत डिसीजन मेकिंग है या गलत थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा है ऑफ कोर्स कुछ भी सही गलत नहीं होता लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सामने कोई हैजर्ड होता है या कोई रिस्क होता है पर हमारी थॉट प्रोसेस अलग चल रही होती है तो मेरी मैनेजर वो हाईलाइट करती थी मुझे कि ठीक है मैं सुन रही हूँ तुझे बट ये भी एक सोल्यूशन है या ये भी एक तरीका है डील करने का मैं बहुत बहुत गरीब थी लेकिन अभी भी जो अपना बॉस है मस्त है एग्जैक्टली लाइक दैट आई मीन जितना मैं उसके साथ वर्क कर रही हूँ जितना मैं उसे जान रही हूँ जितना मुझे फीडबैक मिलता है लाइक like, कभी भी आई नेवर फेल्ट लेट डाउन आई नेवर फेल्ट लेट डाउन तो यही एक गुड बॉस की क्वालिटी होती है कि वो आपको आपके स्किल्स को हॉन करते हैं यू नो नॉट लाइक कि आपको पुश असाइड कर देते हैं या आपका क्रेडिट खा जाते हैं नॉट लाइक दैट a good boss will always push you to do your best will highlight your you know shortcomings shortfalls whatever you want to call it and and let you improve give you the opportunities to improve as well and prove yourself you know sari cheeze to kafi you know aise hi bosses hone chahiye मुझे मेरे एक दो पुराने बॉसेस ने भी कहा था कि you have the capability to be a manager, but मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस स्टेज पर हूँ पर जितना भी एक्सपीरियंस मिल रहा है जितने भी बॉसेस के अंदर मैंने वर्क करा है मुझे ये पिकअप करने को मिल रहा है कि क्या चीज़ वर्क करती है क्या चीज़ नहीं वर्क करती है क्या नहीं करना चाहिए अपने कॉलिग्स के साथ उनको ये नहीं ट्रीट करना चाहिए कि मैं उनके इंचार्ज हूँ तो यू नो एंड ऑफ कोर्स हर कोई मिस्टेक्स करता है लाइक यू नो कोई भी मैनेजर ऐसे ही नहीं बन जाता हर कोई मिस्टेक्स करता है हर कोई जैसे कहता है कि सीखता है अपने टाइम टू टाइम तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो डू माई फेयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स एंड आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट तो कभी भी कोई सेटबैक आए लाइफ के अंदर उसको लेकर रुक नहीं जाना इतना भी नहीं उसके बारे में सोचना कि आप आज अपना ख़त्म कर दो आने वाले कल के लिए या बीते हुए कल के लिए तो दैट्स फॉर आई एम लर्निंग यू नो अ लॉट और जब आप काम पे जाते हो ऑफकोर्स आप किस सब से कुछ ना कुछ लर्न करते हो सब से कुछ ना कुछ, कुछ लर्न करते हो इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ आप काम पे गए काम किया काम ख़त्म नो सोशल इंटरेक्शन हैज़ टू बी देयर मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी उसमें था कि आप अपनी वन थर्ड जो लाइफ है ना वर्क पे बिताते हो बाकी टू थर्ड्स आउट ऑफ वर्क बिताते हो अब मैंने उसको कैलकुलेट करा अपने अपने हिसाब से आठ घंटे में काम पे जाती हूँ पूरे दिन के अंदर चौबीस घंटे होते हैं यू नो ट्वेंटी फोर आवर्स जिसमें से आठ घंटे मैं सोती भी हूँ या कोशिश करती हूँ या बेड पे वो टाइम जाता है तो सोलह घंटे तो कदम अब बचे बाकी के आठ घंटे उसमें आपका खाना तीन टाइम का नहाना धोना जैसे कहते हैं एक्सरसाइज कोई फ़न एक्टिविटी कम्यूटिंग टाइम शॉपिंग टाइम ये सब होता है तो जो वन थर्ड आप अपने कॉलिग्स के साथ स्पेंड करते हो एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए जो कि रिस्पेक्टफुल हो म्यूचुअली जिसे कहते हैं ये एंड अफकोर्स हमेशा कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि वर्क प्लेस पर होता है कि राइवलरी होती है बट उसको एक हेल्थी लो यू नो कंपटीशन की तरह लो हेल्थी लो लेकिन उसको ईगो स्टिक मत बनाओ डोंट मेक इट लाइक एन ईगो थिंग कि आई हैव टू डू इट बेटर आई हैव टू डू इट वो परस कर सकता हूँ मैं इससे बेटर कर सकता हूँ ये कर सकती हूँ नॉट लाइक दैट लर्न फ्रॉम इट आई मीन मैं अपने कॉलिग से बहुत कुछ लर्न करती हूँ एंड uh, मुझे बहुत अच्छा लगता है यू नो एंड दे लर्न फ्रॉम मी इज वेल एट द सेम टाइम सो इट्स क्वाइट गुड अगर आप लोग कभी हेल्थ एंड सेफ्टी को अपना करियर चूज करना चाहते हैं तो ये वो फील्ड है जो आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना ही करना है यू कॉन्ट शट योर माइंड एंड यू कॉन्ट बी लाइक कि यस आई हव स्टडीड दिस आई हैव डन माई डिप्लोमास है डन माई ग्रेजुएशन दाट सेट आई हैम डन एंड नो चेंजेस आते रहेंगे लॉज में भी एक्ट्स में भी रेग्स में भी जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स में भी और कंपनी टू कंपनी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी चेंजेस आएंगे और जरूरी नहीं कि इस कंट्री में वो चेंजेस नहीं है तो किसी और कंट्री में नहीं है दे आर ऑलवेज थिंग्स ऑलवेज अराउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो अगर आप करना चाहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में तो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड टवर्ड्स टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस एंड इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस और अगर आपको ये लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो लेक्चर की तरह लेना है तो लेक्चर की तरह लो इग्नोर करो और अगर आपको लगता है कि आपने उससे कुछ सीखा है तो डू शेयर क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं लगा अभी एक वीडियो एडिट करके अपलोड करिए बस अब सुनते हैं कल सुबह आउट ऑफ टाउन भी जाना है विद माई कॉलीग टू अनादर साइट इज एन आवर्स कोई नहीं मॉर्निंग में जाएंगे आफ्टरनून तक का प्लान है आने का क्योंकि फिर मीटिंग्स भी अटेंड करनी है थोड़ी बहुत तो आपसे मिलते हैं कल सुबह एक और नए एक्साइडिंग ब्लॉग के साथ तब तक बने रहिए अगर पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी यू नो व्हाट टू डू टेक केयर हैव फन